क्वेश्चन है अलजेब्रा का, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 243 की पावर n अपॉन 5 इनटू 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 की पावर n इनटू 3 पावर n माइनस। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन, सिंपलीफाई करते हैं। देखिए मैं इसको पहले लिख लेता हूं, जो गिवन है आपको 243 की पावर n बाय 5 इनटू 3 की पावर 2n प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 9 की पावर n इनटू 3 की पावर n माइनस। देखिए 243 क्या होता है, याद रखा है, अगर नहीं है आपको याद रख लीजिए, 3 की पावर 5 243 होती है, आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। सो मैं ऐसे लिख रहा हूं, 3 की पावर 5 इनटू n अपॉन 5, ठीक है, इनटू 3 की पावर 2n प्लस 1। अब ये 3 की पावर 2 होता है 2n इनटू 3 की पावर n माइनस 1। अब आप ये जानना कि बेस सेम है और बीच में प्रोडक्ट है, तो क्या होगी, पावर ऐड हो जाएगी, बीच में प्रोडक्ट है ना, पावर ऐड हो जाएगी। तो 3 की पावर, अब ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, n प्लस 2n ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 और 3 की पावर 2n प्लस n, मैं डायरेक्टली यहां लिख रहा हूं 3n माइनस 1। अभी चलिए, अब बेस सेम है, अगर ये आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं मैं, अगर बेस सेम है और ये यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, ध्यान रखिए पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, 4 माइनस 3, तो आप इसे ले सकते हो a की पावर 1। चलिए तो आते हैं फिर यहीं पर वापस से, तो ये हो गया अभी 3 की पावर 2n प्लस n, 3n प्लस 1 और बेस सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 3n और माइनस का 1 का हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 3n प्लस का 3n कैंसिल आउट, 1 और 1 2, तो ये होगा 3 की पावर 2 और जो कि होता है 9। सो ऑप्शन नंबर 2।